Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanpur. प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमने लिया है क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट सिक्स, और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, ए शॉट इन द मार्केट, बाजार में एक कमीज। द चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ शर्ट। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। ये जो चैप्टर है ये हमें एक कमीज की कहानी के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि इट जो कहाँ से शुरू होती है, कॉटन के उत्पादन से लेकर जो एंड कहाँ वो ख़त्म कहाँ होती है, जब वो शर्ट बाजार में बिकती है, शर्ट तैयार होकर बाजार में बिकती है। बी सेल सी द चेन ऑफ मार्केट लिंक्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। इसमें एक बाजार की चेन देखते हैं कि कैसे वो कमीज तैयार होकर आती है और बाद में लोग उसको खरीदते हैं सुपर मार्केट में। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप ऑफ द चेन। और इस चेन में बाजारों की जो श्रृंखला है इसमें बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस होती है। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस, क्या सबको एक जैसा बेनिफिट इसमें मिलता है, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर, जब कईयों को एक दूसरे से ज़्यादा मुनाफा होता है। वी शैल फाइंड आउट, हम जी पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक कॉटन फार्मर इन कर्नूल। कर्नूल में एक कॉटन फार्मर है, कपास करने वाला एक किसान। स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर इन कर्नूल आंध्र प्रदेश ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्वप्ना जो करनाल की जो कर्नूल की एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास मीन्स कॉटन। द बोल्स ऑफ कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट। जो कॉटन के जो डोडे हैं वो पककर तैयार हो रहे हैं और कुछ उसमें पहले ही क्या हो गए हैं, चटक गए हैं, टूट गए हैं। सो स्वप्ना इज बिगिन पिकिंग कॉटन। और सपना जो है, स्वप्ना वो उनको इकट्ठा करने में लगी हुई है। द बोल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट ब्रस्ट ओपन एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। लेकिन जो कॉटन के जो डोडे हैं वो एक दिन में तैयार नहीं हो जाते हैं, उनको तैयार होने में बहुत ही टाइम लगता है, कुछ महीने लग जाते हैं। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कर्नूल कॉटन मार्केट, सो अपना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। जब ये कॉटन की खेती तैयार हो जाती है, रुई तैयार हो जाती है, तो बजाय इसको बाजार में बेचने से एक स्वप्ना और उसके हस्बैंड एक लोकल ट्रेडर के पास चले जाते हैं, गांव का जो ट्रेडर है, व्यापारी है। क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड IRS 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बाय सीड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन। क्योंकि जब ये फसल का जो सीजन शुरू हुआ था तो फसल उगाने के लिए स्वप्ना ने एक लोकल ट्रेडर से 2500 रुपये उधार लिए था, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर। किसके लिए? बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए और पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाओं के लिए। एट द सेम टाइम द लोकल ट्रेडर मेड सपना एग्री टू अनदर कंडीशन, ही मेड हर प्रोमिस टू सेल हर कॉटन टू हिम। लेकिन उस वक्त उसने, जो व्यापारी था, उसने सपना को ये एक शर्त रखी थी कि अगर वो जब फसल तैयार हो जाएगी तो वो उसी को बेचेगी, अलबत्ता इसके बदले वो उसको कर्ज नहीं देता। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड द फार्मर हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस। मोस्ट ऑफन द फार्मर नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि फर्टिलाइजर खरीदना, कीटनाशक दवाओं को खरीदना, इन पर किसानों को काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। प्रायः छोटे किसान होते हैं वो इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। एट द ट्रेड यार्ड टू ऑफ हिज मैन वेइंग द बैग ऑफ कॉटन एट प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल। द कॉटन फैच 6000 द ट्रेड डिडक्ट RS 3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट एंड पे स्वप्ना 3000 रुपीज। व्यापारी के परिसर में जो दो आदमी रखे हुए हैं वो उस रुई के बोरों को क्या करते हैं, तोलते हैं।
तोड़ रहे हैं और 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की बनती है, यानी कि वो 4 क्विंटल होती है। व्यापारी ने 3000 रुपये काट लिए, जो उसने उसको लोन दिया था विद इंटरेस्ट के साथ 3000 रुपये काट लिए, 3000 रुपये सपना को दे दिए। सपना 3019 सपना ने कहा कि ओनली 3000, सिर्फ 3000। अब ट्रेडर ने कहा कॉटन इज सेलिंग चीप, देर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आई हुई है। सपना, आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 मंथ टू ग्रो दिस कॉटन, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम, आई हैड होप्ड टू गेट मच बेटर प्राइस। इस सपना कहती है इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक की जोड़ मेहनत जी तोड़ मेहनत की थी, आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया है और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की क्या थी आशा थी उम्मीद थी। ट्रेडर्स कहता है अम्मा आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कनूर मार्केट इफ यू डू नॉट बिलीव मी। अब जो ट्रेडर है वो उसको कहता है कि मैंने तुमको सबसे अच्छा प्राइस दिया है, सबसे अच्छी कीमत दी है, बाजार में कोई भी इतनी कीमत नहीं दे रहा है, अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम कनूर की मार्केट में बाजार में जाकर पूछ सकती हो। सपना कहती है डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो जाओ, हाउ कैन आई डोंट यू, मैं ऑफर से दे नहीं कर सकती, आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस ए फ्यू मंथ। उसने अब जो स्वप्ना है उसको क्या कहती है कि आप गुस्सा मत कीजिए, वो कहती है कि आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। तो स्वप्ना knows that cotton will sell for at least 1800 per quintal. She does not argue further. The trader is a powerful man in the village and the farmers have to depend on him for loan, not only for cultivation but also to meet other expenses such as illness, children fees, children school fees, etc. etc. So apna ko ye pata tha ki kapas ki kam se kam kimat 1800 quintal mein बिकेगी जब बिक रही है, लेकिन वो फिर भी उससे बहस नहीं करती क्योंकि जो ट्रेडर्स है वो व्यापारी है वो गांव में सबसे पावरफुल और पैसे वाला आदमी है और सब लोग उसे उधार लेते हैं, ना कि वो इसलिए कि वो फसल उगाने के लिए बल्कि और सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उसे उधार लेते हैं, जैसे कि अगर कोई उनके घर में कोई बीमार हो जाए, जब बच्चों की स्कूल फीस वगैरह देने के लिए। आल्सो देर आर टाइम्स इन द ईयर वेन there is no work, no one have income from the farmer, so borrowing money is only means of survival. जब गांव में कोई काम नहीं होता है तो उस वक्त गुजारा करने के लिए उनको उन पर ही उस ट्रेडर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है ना बहस करती है। सो अपना अर्निंग फ्राम कॉर्न कल्टिवेशन इज बरेली मोर देन बट साइड माई हैव अर्नड एज ए वेज लेबरर, कपास की पैदावार करने भी स्वप्ना की आय उस आय से थोड़ी सी ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती थी। क्लॉथ मार्केट ऑफ एरोड, एरोड का जो कपड़ा बाजार है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। एरोडा बाई वीकली बोथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड, ए वराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट, क्लॉथ दिस that is made by the weaver in the village around is also brought for sale around the market or office of cloth merchant who buy the cloth, other traders from many south indian towns also come and purchase cloth in this market. tamil nadu mein saptah mein ek do bar lagne wala एरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में संसार जो वर्ल्ड के मेजर बाजार है उनमें से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है, आसपास के गांव में जो बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं, जो कपड़ा व्यापारी उनके ऑफिस हैं बाजार में जो इस कपड़े को खरीदते हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें के शहरों के अन्य व्यापारी भी और जो वर्ल्ड के अन्य व्यापारी भी हैं
साउथ इंडियन के वो भी यहाँ पर आते हैं इस मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। ऑन मार्केट डेज यू वुड ऑल्सो फाइंड बीवर ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज़ बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। दीज मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ्स एंड ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर अराउंड द कंट्री। दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द बीवर अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दिस इज द मेड दिस इज टू बी मेड। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे। बुनकर होता है बुनने वाले, जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाते हैं। जब उनको ऑर्डर मिलता है, ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। जो भी मांग आती है दूसरे मुल्कों से, तो ये जो व्यापारी हैं उनको ऑर्डर लेकर कपड़ा उनको पहुँचाते हैं, ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते रहते हैं। ये सूत खरीदने, सूत मीन्स कॉटन खरीदने, और बुनकरों को निर्देश भी देते हैं, बुनने वालों को ये सलाह भी देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि ये कार्य कैसे चलता है, कि कपड़ा बुनना और कैसे वो देते हैं बुनकरों को, क्या कॉटन देते हैं, रुई कैसे देते हैं, और फिर वो कपड़ा कैसे उनको कैसे वो निर्देश देते हैं किस तरह का कपड़ा बनाना है। इसके बारे में अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।